आदरणीय कृषि राज्य मंत्री जी, मंच पर आसीन आशीष भूटानी जी, सभी गणमान्य अन्य विशेषज्ञ देवियों और सज्जनों, फिक्की का ये प्रयास कि कृषि से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण नीतिगत विषय हैं, जो पॉलिसी इश्यूज हैं, उस पर समय समय पर छोटी राउंड टेबल से लेकर इस प्रकार की बड़ी कॉन्फ्रेंसेस का लगातार आयोजन किया जाता रहे, और उसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि एक निरंतर डायलॉग की जो प्रक्रिया है, जिसमें कि विचारों का, अनुभवों का आदान प्रदान होता रहे, जिससे जो नीतिगत विशेषज्ञ हैं, जो नीति को बनाने वाले हैं, जैसे माननीय मंत्री जी और मंत्रालय के अधिकारी, और जो क्षेत्र में इसको क्रियान्वित करते हैं, जो इम्प्लीमेंटर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर हो, राज्य शासन हो, अन्य जो इसमें प्लेयर्स हैं, उनका एक निरंतर वार्तालाप, एक निरंतर एक कंसिस्टेंट डायलॉग चलता रहे, जिससे कि जो समस्याएं आ रही हैं वो नीतिगत निर्माताओं तक पहुंच सके, और जो नीतिगत निर्माता हैं उनका जो एक लार्जर विजन है, उनका जो एक दृष्टि है, वो हम क्षेत्र तक जो काम कर रहे हैं लोग उन तक पहुँचा सकें। और बहुत ये मुझे बताते हुए हर्ष है कि पिछले 1.5 वर्षों में फिक्की ने लगभग 9 राउंड टेबल्स और इस प्रकार के 3 बड़े कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, अलग अलग कृषि से संबंधित विषयों पर, मार्केटिंग को लेकर, क्रॉप इंश्योरेंस के लिए पिछली बार आशीष जी भी आए थे, क्रॉप क्रेडिट पर हमने किया है। उद्देश्य केवल यही है कि जैसे आज आपने माननीय मंत्री जी की और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी की एक आपने सीधी बात सुनी, उनका क्या सोच है, उनकी सोच के पीछे क्या एक उद्देश्य है, वो आपने एक रूबरू होकर स्वयं उनके शब्दों में सुना। और इसी प्रकार अगले 2 जो हम तकनीकी सत्र अब इसके बाद करेंगे, उसमें हम आपके अनुभव सुनेंगे, कुछ विशेषज्ञ अपनी बात बताएंगे, 2 बहुत ही महत्वपूर्ण नॉलेज पेपर्स आपके साथ शेयर किए गए हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे, और इस मंथन के अंत में, जैसे माननीय मंत्री जी ने चाहा है, हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे जो हम मंत्रालय, कंपनीज, राज्य शासन, इन सबके बीच में हम शेयर करेंगे। आशा ये है कि इस प्रक्रिया से हम सब जहां आज हैं वहां से थोड़ी बेहतर स्थिति में आगे जा सकेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि कृषि, जो फसल बीमा योजना का विषय है, ये एक बहुत ही पेचीदा विषय है, और ये सबको, यहाँ पर उपस्थित लोगों को शायद पता होगा कि दुनिया में ऐसा कोई मॉडल नहीं है। अमीर जो मुल्क हैं वहाँ पर भी ऐसा कोई मॉडल नहीं है जहाँ पर हम कह सकें एक आदर्श कृषि इंश्योरेंस स्कीम लागू की गई हो। हर जगह चुनौतियाँ हैं, बहुत जो विकसित देश हैं वहाँ पर भी बहुत इसमें सफलता नहीं मिली है। भारत सरकार की जो पहल है, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज भारत में विश्व के सबसे अधिक किसान परिवार हैं, 14 करोड़ किसान परिवार हिंदुस्तान में अब हैं, दुनिया के किसी देश में इतनी बड़ी संख्या में कृषि परिवार नहीं है। तो जाहिर है कि यहाँ पर जो चुनौतियाँ हैं उनका जो स्केल बहुत बड़ा है, और उन चुनौतियों को सामना करने के लिए, उनको हल करने के लिए भी जो संसाधन है उनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। बहुत हर्ष का विषय है कि इस सरकार में इस विषय पर प्रथम से ही बहुत ध्यान केंद्रित रहा है। सिराज सेन साहब बैठे हैं, एक भूतपूर्व कृषि सचिव साहब नंद कुमार जी भी बैठे हैं, वो अगले सत्र में आप उनको सुनेंगे। अलग अलग स्तर पर प्रयास होता रहा है, और निश्चित ही हम पिछले 2-3 वर्षों में काफ़ी प्रगति देख रहे हैं, और सब लोग हम मिलकर यही चाहेंगे कि इसमें और प्रगति हो, और किसानों का कवरेज हो, जो समस्याएँ हैं वो और सुलभ हों। मैं विशेष रूप से माननीय राज्य मंत्री जी का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज यहाँ पर इस सभा को संबोधित करने के लिए अपना समय निकाला, और उनके शब्दों से ज़रूर हमें बहुत प्रेरणा मिली है, और जो अगले 2 सत्र की चर्चा होगी हम उनकी बातों को दृष्टिगत रखेंगे। आशीष भूटानी जी का भी मैं स्वागत भी करता हूं और उनको बधाई देता हूं, जितनी साफगोई से उन्होंने समस्याओं को स्वीकार किया, और इससे स्पष्ट है कि समस्याओं से वो परिचित हैं। एक जापानीज कहावत है कि बिफोर फाइंडिंग द सोल्यूशन यू मस्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, पहले हम समस्या की तो पहचान कर लें, फिर हम उसके कुछ उपचार की बात करेंगे। तो उन्होंने जो बातें कही हैं बहुत ही ये स्वागत योग्य है कि उन्होंने माना है जो कमियां हैं, और
कोई नहीं कह सकता कि सारी कमियां केवल भारत सरकार या केवल राज्य सरकार या केवल जो बीमा कंपनी है उनके कारण है, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं और सब मिलके ही इसको साथ में ही इसका समाधान ढूंढेंगे। मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूं जो आज यहां उपस्थित हुए हैं, और माननीय मंत्री जी के जाने के बाद हम लोग फिर अगला सत्र पुनः प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।